वीवो वी ट्वेंटी प्रो है ये, द स्लिमेस्ट 5G फोन कुछ इस तरह से कहा जा रहा है इसे। और आपको क्विक लोडाउन देंगे इसका कि खरीदना चाहिए नहीं। और ये भी बता दें कि इसकी सीधी टक्कर वन प्लस नॉट के साथ है, क्योंकि प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है, स्पेक्स उसी के हिसाब के हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा टक्कर इसके अपने ही एक मॉडल से है, और वो है वीवो वी ट्वेंटी जो इससे पहले लॉन्च हुआ था। तो कैसा है ये फ़ोन, कंपेयर करेंगे वीवो वी ट्वेंटी से भी और बताएंगे कि कितना खरा उतरता है ये अपनी प्राइसिंग पे और स्पेक्स पे। आप देख रहे हैं टेक तक, मैं हूँ श्रुति शर्मा। लेट्स रिव्यू द वीवो वी ट्वेंटी प्रो। अनबॉक्स किया था आपके लिए, हियर्स द रिव्यू। ना सबसे पहले बात स्क्रीन की, आप देख सकते हैं 6.44 इंचेस इसका स्क्रीन साइज है और फुल एचडी प्लस एमोलेड स्क्रीन है। लुक्स वेरी गुड, डिस्प्ले काफ़ी बेहतरीन है, बहुत अच्छे कलर्स आपको दिखेंगे, पंची कलर्स, लेकिन व्यूइंग एंगल्स कई बार थोड़े हमें ख़राब लगे एंड रिफ्लेक्शन बहुत है स्क्रीन में। सो अगर आप सनलाइट में कभी कुछ पढ़ रहे हैं सो वो थोड़ा इरिटेट कर देता है, एंड अदरवाइज ओवरऑल द डिस्प्ले क्वालिटी इज़ वेरी वेरी गुड। नाउ डिस्प्ले वी टोल्ड यू अबाउट, बट द रिफ्रेश रेट शुड हैव बीन बेटर, क्योंकि जब आप लगभग 30,000 रुपये का फ़ोन खरीद रहे हैं तो रिफ्रेश रेट उसमें और बेहतर हो सकता था, तो वो थोड़ा हमें मिसिंग लगा। इट शुड हैव बीन अ लिटिल बेटर बिकॉज थोड़ा फास्टनेस चाहिए इस फोन में। नाउ डू यू सी द कलर ऑफ द फोन, इट्स लुक्स वेरी वेरी क्लासी और काफ़ी सुंदर फोन लग रहा है। आप देख सकते हैं फोन मार्क्स ऑन द डिज़ाइन ऑफ द फोन, देयर इज नो डाउट, और काफ़ी पतला है, और पतला है, हल्का है, और इसी की वजह से ये होल्ड करने में, बात करने में काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड इट्स वेरी वेरी स्लीक फोन, आपको जब आप इसको पकड़ेंगे स्लीकनेस आप फील कर सकते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, परफेक्टली डिज़ाइन, वेरी एप साइज, थिननेस है और कंफर्टेबल बना देती है और हैंडी बना देती है इसे। हालांकि वीवो वी ट्वेंटी से अगर इसे कंपेयर करें डिज़ाइन को, तो इट्स ऑलमोस्ट सेम, आप ज़्यादा फर्क नहीं देख पाएंगे इफ़ यू सी इट लाइक फ्रॉम एन नेकेड आई कि हाँ ये वीवो वी ट्वेंटी है, ये वीवो वी ट्वेंटी प्रो है। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, ये उससे पतला है फ़ोन। सो यस, मोर और लेस दोनों ही फ़ोन एक जैसे हैं, और वीवो वी ट्वेंटी की कीमत आपको बताएं कि 24,990 रुपये है, वहीं वीवो वी ट्वेंटी प्रो यानी इस फ़ोन की कीमत है 29,990 रुपये। सो 5,000 रुपये का सीधा फ़र्क है। वहीं वीवो वी ट्वेंटी में आपको बताएं कि जो सिम स्लॉट है उसकी पोजिशन अलग दी गई है और इसमें अलग है, अदरवाइज मोर और लेस सेम ही डिज़ाइन है फ़ोन का, कोई खास फ़र्क नहीं है। एंड वीवो वी ट्वेंटी में आपको हेडफोन जैक मिलेगा, 20 प्रो में नहीं दिया गया, विच इज़ अ यूटिलिटी और देना चाहिए था। द नेक्स्ट ऐप इज प्रोसेसर, इसमें दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G, और आपको बता दें कि वीवो वी ट्वेंटी में जो प्रोसेसर है वो 720 दिया गया। सो ऑफकोर्स प्रोसेसर वाइज ये काफ़ी बेहतर है और अच्छा चला, मल्टीटास्किंग ठीक रही, स्मूथ एक्सपीरियंस रहा हमारा, लैग नहीं हमने कहीं फेस किया। एंड इसमें वही प्रोसेसर है जो आपको वीवो के X50 प्रो में मिलेगा, जो कि काफ़ी प्रीमियम फ़ोन है, सो वो प्रोसेसर सीधा इसमें दिया गया है। सो दैट्स वन थिंग दैट्स गुड। एंड्रॉयड 10 पे चलता है, हालांकि एंड्रॉयड 11 रेडी है, और जो फन टच OS है वो आपको 11 का ही एक्सपीरियंस देगा। सो इट्स रेडी टू टेक ऑन द एंड्रॉयड 11। मैं आपको बताएं कि एक्सपीरियंस जो है इसमें थोड़ा स्टक एंड्रॉयड वाला एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन ब्लोटवेयर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ब्लोटवेयर, ये देखिए। हालांकि इसे सॉर्ट किया जा सकता है, बट येस इट डज हैव ब्लोटवेयर। एंड क्योंकि प्रोसेसर इसमें अच्छा है 765G, तो गेमिंग काफ़ी बेहतरीन चली, कोई लैग नहीं आया, डिसेंट गेमिंग फ़ोन ऑल्सो। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो गेमिंग के लिए भी आप इसे खरीद सकते हैं। हैविंग सेड दैट, 8GB 128GB वेरियंट में ये लॉन्च किया गया है। नाउ स्पेस इज अ वेरी गुड थिंग हियर, बट एक ही वेरिएंट है, तो अगर किसी को यही फ़ोन ख़रीदना है लेकिन कम दाम में, थोड़ा एक सस्ता वेरिएंट इन अ वे दैट स्टोरेज जो है एक और हो जाती 6GB वाली में भी, तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि जिनको महंगा लगता है लेकिन फ़ोन अच्छा है और ख़रीदना चाहते हैं, तो वो थोड़ा कम एक्सपेंसिव वीवो वी ट्वेंटी प्रो भी खरीद सकते थे। तो एक वेरियंट इसका और लॉन्च होना चाहिए था, तो जस्ट अ सिंगल वेरियंट। एंड येस, देर इज़ नो एक्सपेंडेबल मेमरी इन दिस, जो कि होती तो अच्छा होता, क्योंकि इसके कैमराज काफ़ी बेहतरीन हैं, तो स्टोरेज चाहिए पिक्चर्स के लिए। एंड या प्रोसेसर इज गुड, सो मोर स्पेस इज ऑलवेज गुड। एंड द बैटरी इज 4000 mAh, जो कि और बेहतर हो सकती थी इस प्राइसिंग में, आपको बैटरी कम से कम 5000 mAh की येस मिलनी चाहिए थी। गेमिंग फ़ोन है
और काफ़ी देर तक हम गेम खेलेंगे इसमें, तो बैटरी सॉलिड चाहिए और कैमरा फ़ोन है ऑब्वियसली, कैमरा इसमें पिक्चर्स खींचेंगे वक्त लगेगा, सेल्फीज खींचेंगे, तो यू वांट दैट द फोन शुड लास्ट यू लॉन्गर एंड बैटरी एग्जॉस्ट नहीं होनी चाहिए। तो 4000 mAh की बैटरी थोड़ी कम लगी हमें इसमें, 5000 एटलीस्ट इस प्राइस पॉइंट में बिल्कुल बनती है। एंड 33 वॉट फास्ट चार्जिंग है, बट येस बेटर बैटरी वुड हैव बीन अ बेटर डील। Now moving on to cameras, which is in Vivo V20, is the same as in the V20 Pro. So same setup aapko diya gaya hai, 64 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide and 2 megapixel mono. Same setup at the rear camera, aapko exactly same pictures bhi dikhengi. Aur ye bhi bata dein ki aapko jo videos hain aap 4K shoot kar sakte hain isse, front and rear camera dono se. So that's again a good thing. We showing you a video sample that we shot from the front camera for a change, which was 4K and this is how it fared. Pictures ke baare mein bhi baat karenge, aapko filhal video dikha de rahe hain, and then we'll talk about the pictures from the rear camera. This is a video recording from the front camera of the Vivo V20 Pro 5G and steady face option maine abhi on kiya hua hai, and I'm trying to move as much as I can. सो आफ्टर वीडियो दिस दीज आर द पिक्चर्स जो हमने रेयर कैमरा से खींची है वीवो V20 प्रो की, जिसका कि सेम ही ऑलमोस्ट रिजल्ट है जो आपको वीवो V20 पे मिलता है, विच इज़ अ फोन 5000 लेस देन द V20 प्रो। 64 मेगापिक्सल अच्छी डिटेल्स आई हैं पिक्चर में, कलर्स आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन हैं, बहुत खेल के आए हैं, डायनमिक रेंज काफ़ी अच्छी लगी हमें, एंड ओवरऑल यू कैन सी हाउ पंची द कलर्स आर, द ब्राइटनेस इज गुड, सो गुड एक्सपीरियंस विद द 64 मेगापिक्सल लेंस। बाकी 8 मेगापिक्सल की बात करें तो अच्छा परफॉर्म किया अल्ट्रा वाइड एंगल ने, कंसिस्टेंट रहा, कलर्स भी ठीक रहे, हल्का सा शिफ्ट हमें ज़रूर लगा फ्रॉम द 64 मेगापिक्सल टू द सुपर अल्ट्रा वाइड फ्रेम, बट थोड़ा सा है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा उसके लिए, द कलर्स स्टिल वर डीसेंट। एंड टॉकिंग अबाउट द मैक्रो लेंस, इट परफॉर्म्ड गुड, and these are the macro shots that you can see, and again agar aap baat karenge bokeh effect ki to wo bhi kafi acha raha, halanki kai jagah agar aap zoom in karenge pictures ko to thodi hazy dikhai deti hai, but overall the camera performed very nice. Now moving on to the selfie camera, agar V20 se compare kare to wahan single lens aapko diya gaya hai 44 megapixel ka, which is the main focus lens, and इसमें एक एक्स्ट्रा लेंस और दिया गया है नॉच में ही, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो दैट इज 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल सेल्फी के लिए। सो टू लेंसेज इन द फ्रंट, वन इज 44 मेगापिक्सल विद आई ऑटो फोकस, दैट इज अगेन द यूएसपी ऑफ दिस फोन, एंड एडेड लेंस जो कि 8 मेगापिक्सल है अल्ट्रा वाइड सेल्फी के लिए। तो सेल्फी आपको मिलेगी अगर आप बैकग्राउंड भी चाहते हैं उसके साथ, तो अल्ट्रा वाइड इज द ऑप्शन दैट यू गेट हियर। सो टू लेंसेज इन द फ्रंट एंड ऑटो आई फोकस से पकड़ता है आपका, आपका फोकस लेता है वेयर एवर यू सी, एंड दैट्स हाउ इट फॉलोज इट एंड क्लिक्स इट। हेयर आर द सेल्फी रिजल्ट दैट वी शोइंग यू। सो देख सकते हैं आप सेल्फीज डिसेंट आई हैं, कलर्स बिल्कुल वॉश आउट नहीं हुए हैं, एंड नो आर्टिफिशियल ब्यूटीनेस हियर, everything was natural, good, and this is the normal selfie shot, and this is the bokeh effect, and this is the wide angle jo humne khecha hai front camera se. So selfie performed decent, the colors were also nice and consistent. So now quick decision if you should buy V20 Pro or not. Well, V20 Pro ki keemat jaise bataya 30000 rupaye hai, V20 ki keemat lagbhag 25000 rupaye hai, zyada difference nahi hai phone mein in terms of design. सेल्फी कैमरा एक्स्ट्रा दिया गया है आपको, रियर कैमरा इज ऑलमोस्ट सेम सेटअप, बैटरी ऑफकोर्स इसमें 4000 mAh की है जो कि बेहतर हो सकती थी, और इस प्राइस पॉइंट में 30000 में आपको कम से कम 5000 mAh की बैटरी देनी चाहिए थी, क्योंकि गेमिंग के लिए अच्छा फ़ोन है, प्रोसेसर डिसेंट दिया गया है तो गेम लंबी चलेगी, कैमराज काफ़ी अच्छे हैं तो कैमरा में फ़ोटो खींचेंगे जैसा बताया, यू नीड बेटर बैटरी फॉर इट टू लास्ट लॉन्ग, एंड ऑफकोर्स यू नीड स्पेस ऑल्सो, ताकि पिक्चर्स और वीडियोज़ आपके काफ़ी सारे इसमें आ सकें, सो एक्सपेंडेबल मेमरी वुड ऑल्सो वुड हैव बीन बेटर, एंड ऑफकोर्स इट्स अ 5G फ़ोन तो 4000 mAh बैटरी के साथ थोड़ा सा और जस्टिफिकेशन होता तो अच्छा लगता, 5000 होता तो बेहतर होता, क्योंकि 5G ड्रेन करता है बैटरी को। सो येस दीज आर सम पॉइंटर्स दैट वी नोटिस्ड, एंड ओवरऑल अ गुड फोन, एंड इट कुड हैव बीन मोर बेटर अगर प्राइसिंग थोड़ी कम रखता वीवो, एंड एक वेरिएंट और इसका लॉन्च होना चाहिए था, क्योंकि आई वुड हैव बॉट अ वेरिएंट विच वुड हैव बीन कॉस्टिंग मी लेस, बट द फोन वुड हैव बीन वर्थ इट दैट। हालांकि 30000 में अगर अच्छा कैमरा फोन चाहते हैं
तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। सेल्फी के दीवाने हैं तो आई थिंक यू कैन गो ब्लाइंडली फॉर दिस फोन। तो फिर भी आपका बजट कम है और 30 हज़ार ज़्यादा लग रहे हैं तो आई थिंक ज़्यादा फर्क नहीं होगा, वीवो वी 20 खरीद सकते हैं। सो ओवरऑल गुड फोन, नॉट अ ग्रेट फोन बट अ गुड फोन। एवरी डे यूजेज के लिए थोड़ा महंगा है 30 हज़ार का फ़ोन, लेकिन स्पेक्स हैवी है, कैमरा, गेमिंग, लुक्स अगर चाहिए तो गो फॉर इट। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो।